सतीश, एक तरह से देखे तो रिटेन करने का प्रेशर था, लेकिन फिर भी आपने अच्छा किया। क्या कहेंगे इस मेडल के ऊपर? इस मेडल के ऊपर तो मेरे को भी भरोसा नहीं था कि मैं मेडल जीत पाऊंगा, लेकिन जो मेरा उम्मीद था, जो सेल्फ कॉन्फिडेंट, जो मेरा सपोर्ट था, तो उसके कारण मैं मेडल जीत पाया। 2014 में तो मेरे को उम्मीद था चाहे मैं उधर मेडल जीतूंगा, लेकिन या गोल्ड या सिल्वर का फाइट करूंगा, लेकिन इधर तो मेरा उम्मीद भी नहीं था कि मैं मेडल जीतूंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत इंजरी का प्रॉब्लम था। लेकिन उसके बाद भी मैंने मेडल जीता, अपने आप का खुद का कॉन्फिडेंट भी आया और बहुत कुछ महसूस कर रहा हूँ इस टाइम। एक तरह से मेडल की उम्मीद आपसे नहीं लगाई जा रही थी, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि इंजरी थी, लेकिन इंजरी के बावजूद आपने एक कंपटीटर कंपटीशन दिया और गोल्ड भी जीता। कंपटीशन थी एक तरह से देखे तो, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो वेटलिफ्टर था और जो कैनेडियन था, तो दोनों एक तरह से फाइट दे रहे थे। जी सर, सही में तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा कंपटीटिव था, कंपटीशन था, क्योंकि जब मैंने अच्छे से फुल फॉर्म में जो मैं ये वेट किया था, मैं बहुत बार कर चुका हूँ, लेकिन जो इंजरी के बाद मैंने मेरा 50% भी मैंने ट्रेनिंग नहीं किया था, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा एक्सरसाइज है वो करके और मेरे इंजरी के बचा के मैं सीधा कॉम्पिटिशन लड़ा था। तो इसमें क्या हुआ, मेरा कॉन्फिडेंट भी बढ़ गया और अच्छा खासा लोड भी इम्प्रूव हुआ, और जो कैनेडियन और ऑस्ट्रेलियन थे वो तो मेरे लिए टफ दे रहे थे, लेकिन हम ज़्यादा जंप नहीं किए थे, जैसे सर ने, विजय सर ने प्लान किया था, ज़्यादा जंप नहीं, बस उनसे एक एक दो दो किलो हम फाइट करके गोल्ड मेडल जीतेंगे, बस उनका यही था एक प्लान, तो वो आज वो सक्सेस हो गया। तो एक तरह से देखें तो एक डिफेंसिव टैक्टिक भी आपने अपनाया, क्योंकि आपका आप इससे भी स्नैच और क्लीन एंड जर्क में काफ़ी वजन उठा सकते हैं, लेकिन फिर भी एक तरह पहले 144 से शुरू किया और फिर बाद में उधर तक गए, 141 से शुरू किया। क्योंकि जो ये आज मैंने पहले अटेम्प्ट लिया था 136 एंड आफ्टर दैट 144, ये मैंने ट्रेनिंग में अभी तक नहीं किया, आफ्टर दो महीना हो गया मैंने ट्रेनिंग में ये किया ही नहीं, लेकिन आज तुरंत हम इधर वो लोड ले रहे हैं करके सर थोड़े से वरीड थे क्योंकि होगा या ना होगा, लेकिन जैसे पहले अटेम्प्ट मैंने ईजी पास किया तो उसके बाद उन्होंने तो थोड़ा उम्मीद आया, और सेकेंड अटेम्प्ट भी उससे ईजी पास किया था, वैसे ही क्लीन एंड जर्क में भी हुआ था, जो फर्स्ट अटेम्प्ट वो ईजी हो गया तो उन्होंने तुरंत गोल्ड के लिए फाइट दे दिया, तो आने वाले जो एशियन गेम्स है उनके लिए ये बेनिफिट करेगा पूरा। या जरूर सर, एशियन गेम्स से पहले मैं मेरा जो इंजरी है वो ठीक करूंगा और उसके बाद मैं पूरे एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए तैयारी करूंगा। थैंक यू सिवा हमसे बात करने के लिए, और आप गुजरात आपके आपको और शुभकामनाएं देता है कि आप भारत के लिए और गोल्ड मेडल जीते। धन्यवाद। तो ये थे सतीश शिवालिंगम, जिनको कहूँ है कि एक तरह से एक कट